subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. बच्चों आप सबको मेरा नमस्कार, मैं विकास, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, आप सभी को इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों आप सबके लिए हमने टॉपिक, आज का जो रीजनिंग का टॉपिक है वो डायरेक्शन, इसको हिंदी में हम लोग दिशा बोलते हैं। बच्चों सबसे पहले दिशा हमारे पास होते हैं क्या क्या होते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ हम जानते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो डायरेक्शन होते हैं वो चार होते हैं, जो मेन डायरेक्शन जिसको हम पेपर पर यूज़ करते हो या मैप पर, इंडियन मैप पर देखते हैं वो डायरेक्शन किधर की ओर होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको स्लाइड पर भी दिख रहा वो चीज़ होगा और बगल में भी हम उसको ड्रॉ करके आप बताते हैं। बच्चों मैप में हो या पेपर पर यूज़ करेंगे तो ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग नॉर्थ बोलेंगे, नीचे वाले पॉइंट को हम लोग साउथ बोलेंगे। बच्चों राइट हैंड में हमारा ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड में हमारा वेस्ट होगा। यह हमारे चार मेन डायरेक्शन है और इसके अलावा हमारे पास चार सपोर्टिंग, जिसको हम लोग सहायक दिशा भी बोलते हैं, जिसको हम आपको स्लाइड पर भी दिख रहा होगा और बगल में हम आपको इसके द्वारा पॉइंट आउट करके बता रहे हैं। बच्चों नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो होगा उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। बच्चों साउथ और ईस्ट के बीच में जो होगा उसे हम साउथ ईस्ट बोलेंगे। बच्चों साउथ और वेस्ट के बीच में जो होगा उसे हम साउथ वेस्ट बोलेंगे और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा उसे हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। यह हमारे चार सपोर्टिंग डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। यह हमारे चार सपोर्टिंग डायरेक्शन है और मेन डायरेक्शन हमारे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है। आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम अगले रोटेशन डायरेक्शन के बारे में बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड पर हमें दिखेगा आपको। जो नेक्स्ट रोटेशन डायरेक्शन क्या होता है, क्या है रोटेशन डायरेक्शन, इसके बारे में थोड़ा हम कुछ आगे जानते हैं। बच्चों सबसे पहले रोटेशन डायरेक्शन के बारे में जानते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी चलने की दिशा को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं और घड़ी चलने के विपरीत दिशा को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। बच्चों इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दक्षिणाव्रत और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वामाव्रत। इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे बच्चों। और सवाल सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक हेल्प लेने के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो हम आपके सामने यूज करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड पर आपको दिखेगा। बच्चों जब भी हम सवाल सॉल्व करते हैं डायरेक्शन का तो उसमें एक टर्म आता है लेफ्ट और दूसरा टर्म आता है राइट। आखिर हर डायरेक्शन का लेफ्ट और राइट क्या होगा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम ऊपर की ओर नॉर्थ में हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड इधर की ओर होगा। ईस्ट की ओर है तो हमारा लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड हमारा इधर होगा। अगर हम साउथ की ओर है तो हमारा लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड इधर होगा। अगर हम वेस्ट की ओर है तो हमारा लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड इधर होगा। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से, यह आपके लिए आगे सवाल सॉल्व करने में ज़्यादा यूजफुल होगा। बच्चों एक चीज़ हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट की बात, किसी भी डायरेक्शन में जब हम लेफ्ट और राइट मूव करते हैं तो यह रोटेशन कितने डिग्री का होता है, ये सबसे पहले हमें जानना बेसिक टर्म, क्योंकि सवाल सॉल्व करने में ट्रिक्स आज हम यूज़ करेंगे सवाल पर, उसको ये चीज़ें हेल्प करेगा हमेशा। तो जब भी हम लेफ्ट और राइट का रोटेशन करते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल लेता है हमेशा, चाहे लेफ्ट की बात करें चाहे वो बात बच्चों राइट की बात करें, वो एंगल हमेशा 90 डिग्री लेता है। इसीलिए बच्चों हमने आपके लिए छोटा सा एक ट्रिक का यूज़ करने के लिए, शॉर्टकट करने के लिए छोटा सा टर्मोलॉजी बनाया है। जब भी लेफ्ट की बात होगा तो हम 90 डिग्री मूव करेंगे, जब भी दो बार लेफ्ट कहेगा जस्ट अपोजिट 180 डिग्री मूव करेंगे, थ्री बार लेफ्ट होगा 270 डिग्री मूव करेंगे, या एक बार राइट टर्न कर लेंगे ज़्यादा बेटर है, और फोर लेफ्ट बराबर 360 डिग्री कहो या आप 0 डिग्री भी कर सकते हैं, आपके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यह लेफ्ट की बात था। एज सेम सिक्वेंस जो आपको राइट हैंड में भी दिखता होगा, राइट इज इक्वल टू 90 डिग्री, दो बार राइट होगा 180 डिग्री, थ्री बार राइट होगा 270 डिग्री या एक बार लेफ्ट हो जाएंगे, और फोर राइट होगा 360 डिग्री होगा या 0 डिग्री भी कह सकते हैं। यह टर्मोलॉजी आपको सवाल में आगे जाकर ज़्यादा सवाल सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट पर भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। बच्चों अब यह सबसे यूजफुल है, जो हम सब सवाल को सर बोले कि सर ट्रिक बताइए, इसका हम जरूर यूज़ करेंगे वहाँ पर, जो आपको हम दिखाएंगे हमेशा। तो बच्चों हम अब अगले स्लाइड सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कितने टाइप से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जाते हैं वो हम आपको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर बच्चों बढ़ते हैं हम।
जो हमारे डायरेक्शन में सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, वो डायरेक्शन चैप्टर से 6 टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। पहला होता हमारे पास अंतिम दिशा निकालना, फाइनल डायरेक्शन। दूसरा हमारा होता है इनिशियल डायरेक्शन। तीसरा होता है हमेशा एंगल वेस्ट, कोण के आधार पर दिशा निकालना। चौथा होता है शैडो वेस्ट डायरेक्शन, माने परछाई के आधार पर दिशा निकालना। पाँचवा होता है घूर्णन, माने रोटेशन के आधार पर दिशा निकालना। और छठा हमारा होता है घड़ी, क्लॉक वेस्ट डायरेक्शन, माने घड़ी का जो एंगल रोटेशन होता है उसके आधार पर हमें निकालना होता है। बच्चों इसके बारे में हम आगे थोड़ा सवाल पर डिस्कस करेंगे, कैसे सवाल पर क्या होगा। तो बच्चों हम पहले इनिशियल डायरेक्शन, पहले फाइनल डायरेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो फाइनल डायरेक्शन किसे कहते हैं, कैसे निकालेंगे, क्या अप्रोच होगा, हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। बच्चों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम एक पहली सवाल पर हैं। हमारे पास सवाल एक है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है और वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है और 3 चलता है, अंततः वो बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो बच्चों सबसे पहले जब सवाल हम सॉल्व करेंगे तो हमें पहले डायरेक्शन मालूम है कि नॉर्थ किधर होता है। तो नॉर्थ बच्चों हम लोग जानते हैं इधर होता है हमेशा, नॉर्थ ऊपर की ओर। तो बच्चों कोई भी पॉइंट से बच्चा अगर ऊपर की ओर चला होगा तो यह डायरेक्शन हमने सपोज कर लिया कि 4 किलोमीटर का होगा हमेशा। इसके बाद हुआ बोला बाएं मुड़ता है, तो आप सबको हमने बताया कि नॉर्थ वाले का लेफ्ट हैंड इधर की ओर होगा, तो नॉर्थ का लेफ्ट मतलब इधर की ओर होगा, दैट डायरेक्शन इज 3 किलोमीटर। फिर कहता है आगे कि फिर पुनः वो दाएं मुड़ता है, अब इसका राइट हैंड बताओ, जस्ट ऊपर होगा क्योंकि ये वेस्ट है, वेस्ट वाले का राइट हमेशा ऊपर की ओर होता है, दैट डायरेक्शन इज 3 किलोमीटर। और बोलता है कि और फिर वह अंततः बाएं मुड़ जाता है, तो हमेशा नॉर्थ वाले का लेफ्ट इधर होता है और हमेशा यह इधर चलेगा और यह डिस्टेंस है हमारा 2 किलोमीटर। तो बोला कि वह फाइनली किस दिशा की ओर मूव कर रहा है, उसकी दिशा क्या है, वो किस दिशा की ओर मूव कर रहा है, तो यह हमें निकालना है। तो यह हमारा जो डायरेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम दिशा। क्या बोलते हैं हम लोग, पश्चिम दिशा बोलते हैं बच्चों। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा पश्चिम दिशा, जो ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा बच्चों। बच्चों अगर बताइए ये सवाल को इतना हम हर सवाल पर अगर हम ड्रॉ डायग्राम करें तो शायद एग्जाम में हम सारे क्वेश्चन का जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। बच्चों इसके लिए मैं छोटा सा ट्रिक यूज़ करूँगा, जिसको कैसे सवाल को शॉर्टकट ट्रिक से हम बता देते हैं आसानी से। तो बच्चों सबसे पहले कुछ नहीं करना है, बच्चों आदमी चलना शुरू किधर किया, नॉर्थ की ओर, तो हम नोट कर लिए इस पॉइंट को। बच्चों पहली बार उन्होंने क्या लिया था, लेफ्ट, तो चीज़ों को हमने लेफ्ट ले लिया। फिर बच्चों अगली बार उन्होंने क्या लिया था, राइट लिया था, तो हमने राइट ले लिया। फिर बच्चों उन्होंने अगली बार क्या लिया था, लेफ्ट लिया था। अब हमें पूछता है ये किस दिशा की ओर, क्वेश्चन मार्क, ये निकालना हमें। तो सबसे पहले चीज़ों को निकालना है, तो एक लेफ्ट और एक राइट कट जाएगा हमारा, एक लेफ्ट राइट जो बचेगा वही डिसाइड होगा। वो डिसाइड कहाँ से हुआ, जहाँ से हमने चलना जिस टाइप से शुरू किया था, तो हमने चलना शुरू कहाँ से किया था, नॉर्थ से, नॉर्थ को चलना शुरू, तो नॉर्थ का राइट हम मूव करेंगे बच्चों, नॉर्थ का लेफ्ट मूव करेंगे। और नॉर्थ का लेफ्ट हमेशा होता है वेस्ट, क्या होता है, वेस्ट होता है हमेशा। अगर हम एंगल की भाषा जो हमने लिखाया था नॉर्थ का लेफ्ट और राइट, तो बताइए 90 डिग्री मूव करें तो बताओ यही डायरेक्शन तो हमारा आएगा हमेशा। तो बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने में हमें ज़्यादा आसानी होती है, यह डायग्राम हर सवाल में हम पॉसिबल नहीं कर सकते हैं, यह शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा हम जल्दी से सवाल को अचीव कर सकते हैं, जल्दी से सवाल पर हम आंसर दे सकते हैं बच्चों, तो यह आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। बच्चों इस तरह हम अगले दूसरे सवाल पर भी पहुँचते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए हमारा सवाल, इस सवाल को हम दूसरे सवाल को कितने जल्दी हम सॉल्व करते हैं इस ट्रिक के द्वारा, क्योंकि हम डायग्राम के द्वारा भी बताते हैं आपको और ट्रिक के द्वारा बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन, कि ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर इन इस डायरेक्शन। मान लीजिए कोई पर्सन, एक आदमी ईस्ट की ओर चला और यह जो डिस्टेंस है हमारा 5 किलोमीटर, ही टर्न्स 5 टाइम्स लेफ्ट। अब बताओ हम यहाँ से 5 बार लेफ्ट डायग्राम खींचे, अगर ये 5 बार है, अगर ये 50 बार होता तो शायद हम एग्जाम हॉल में 50 बार डायग्राम ही खींचते। तो हम एक बार बेसिक चीज़ दिखा देते फिर हम ट्रिक पर बात आते हैं। अब बताओ पहला लेफ्ट इसका यह होगा, दूसरा लेफ्ट यह होगा बच्चों, तीसरा लेफ्ट यह होगा, चौथा लेफ्ट यह होगा बच्चों, पांचवा लेफ्ट यह होगा। अब इन्होंने जितनी बार कहा पहली लेफ्ट, दूसरी लेफ्ट,
तीसरी लेफ्ट, चौथी लेफ्ट और पांचवी लेफ्ट। फिर कहता है थ्री टाइम्स राइट टर्न, और यहाँ से फिर तीन बार हमें राइट टर्न करना है। तो बच्चों पहला राइट जो होगा वो इधर होगा, दूसरा राइट जो होगा इधर होगा, तीसरा राइट इधर होगा, और बताओ ये बच्चों किस डायरेक्शन की ओर जाता है थ्री टाइम्स। तो ये हमारा डायरेक्शन जो इंडिकेट करता है लेफ्ट हैंड में वो वेस्ट कहलाता है हमेशा। तो बताओ इतना कहने के बाद हम सवाल को सॉल्व किए, जो हमारे ऑप्शन में दिया है वेस्ट पहले नंबर पर है, जो सवाल का आंसर पहले। अब इतना एग्जाम हम नहीं करेंगे डायरेक्ट, सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले हम एक छोटा सा ट्रिक आपको नोटिफाइड कर देते हैं। आदमी चलना शुरू किधर किया, ईस्ट की ओर, नोट कर लिया हमने। कितनी बार लेफ्ट लिया, तो पांच बार, तो 5L। ये नहीं कि पांच बार हम L लिख ले, 100 बार तो 100 बार L लिखने में तो वही हाल होगा जो फिर फिगर बनाने में होगा, इसीलिए हम 5L लिख लेंगे। कितनी बार राइट मुड़ा, 3। क्वेश्चन पूछता है किस दिशा में, इस दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे, 5 - 3 = 2। अब 2R होगा या 2L होगा उसके बारे में जानते हैं। दोनों में जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है तो हाईएस्ट 5 के साथ है, तो ये क्या है L, और 2L, और 2L बराबर बच्चों हमने लिखा दिया आपको 180 डिग्री होता है, 2L = 180 डिग्री। और ईस्ट का 180 डिग्री बच्चों सबको पता है कि वेस्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन, और देखिए कितने जल्दी हम सवाल को आंसर दे दिया हमारा। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता हुआ जल्दी दिखाई देता है बच्चों, यह एग्जाम में ज़्यादा यूजफुल आपके लिए होगा। बच्चों इस तरह हम तीसरे सवाल पर भी आपके साथ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। बच्चों तीसरा सवाल भी देखिए कितने आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों तीसरा सवाल है कि एक आदमी 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है, 10 किलोमीटर मान लीजिए 10 किलोमीटर हम साउथ की ओर, साउथ हमेशा नीचे की ओर होता है हमेशा बच्चों, और वह 10 बार बाएं मुड़ता है। अब बताइए 10 बार बाएं मुड़ना उतना आसान तो नहीं है, फिगर तो बना नहीं सकते हमेशा बच्चों 10 बार बाएं मुड़ना। इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट शॉर्टकट कर लें बच्चों। बच्चों आदमी चलना शुरू किया साउथ में, कितनी बार लेफ्ट मुड़ा, 10 बार लेफ्ट मुड़ा। कितनी बार राइट मुड़ा, 5 times राइट मुड़ा। क्वेश्चन पूछता है किस दिशा की ओर जा रहे हैं हमेशा। बच्चों इस दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे हम, 10 - 5 = 5। अब दोनों में हाईएस्ट वैल्यू किसके पास है, लेफ्ट के पास है, तो 5L, और हमारे पास मेन डायरेक्शन 4 ही होते बच्चे। जब भी हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस की वैल्यू अगर 4 या 4 से ज़्यादा होगा तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे उस संख्या में, क्या कर देंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 5/4 रिमाइंडर जो आएगा वही काउंट होगा हमेशा, तो 5/4 रिमाइंडर कितना आया, 1। और एक बार लेफ्ट करना है तो साउथ का एक लेफ्ट आप सबको पता है कि साउथ का एक लेफ्ट क्या होता है हमेशा, ईस्ट होता है हमेशा। साउथ का एक लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट, और आपके क्वेश्चन का आंसर हमेशा ईस्ट हो जाएगा, जो आपके ईस्ट पहले नंबर पर आंसर है हमेशा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट हुआ बच्चों। तो बच्चों इस तरह का लगता है कि अभी आपको समझ में आ रहा होगा ट्रिक और टेक्निक, क्योंकि बेसिक जो हम उतनी डायग्राम बनाएंगे जो हमारे एग्जाम में उतना संभव नहीं है और टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा, इसके लिए हम आपको शॉर्ट और ट्रिक तैयार कर दिए हैं, इसका यूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों हम इस तरह अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। अब इसको देखिए कितने सेकंड के अंदर हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों, बहुत तेज। पहला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास है कि एक आदमी 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, तो सीधा सा नॉर्थ ईस्ट लिख लेंगे बच्चों, कुछ नहीं है। उसके बाद वो कितनी बार लेफ्ट करता है, 10 times, तो 10L लिख लिए। कितनी बार राइट मुड़ता है, 7। इस दोनों के बीच का अंतर निकालिए, ये दोनों के बीच का अंतर हमारे पास कितना आएगा, 3L आएगा। और 3 बार लेफ्ट मुड़ने से अच्छा, जो हम आपको पहले नोट कर दिए थे, 3 बार लेफ्ट मुड़ने से ज़्यादा बेटर है कि एक बार राइट टर्न कर ले हम। तो नॉर्थ ईस्ट का आपको हमने बताया था कि जितनी भी लेफ्ट और राइट होगी वो 90 डिग्री के एंगल पर होगा, और नॉर्थ ईस्ट आप लोग इसको बोलते हैं। और इसका 3 left = 2 एक बार राइट टर्न करना है, तो अब नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री राइट टर्न इन द सेंस साउथ ईस्ट होगा, जो आपके स्लाइड के ऑप्शंस में साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व दिशा दूसरे ऑप्शन में दिखाई देता है आपको बच्चों। इस तरह से बच्चों हम कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कितने जल्द हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जो एग्जाम में हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल। जो क्वेश्चन हमें 1 मिनट 2 मिनट लगता शायद वो क्वेश्चन हम सेकेंडों में जवाब दे सकते हैं क्वेश्चन को। इस तरह बच्चों हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा टाइप 2 होगा, जो हमारे पास अगले स्लाइड। अब हमें इनिशियल डायरेक्शन निकाली बच्चों। इनिशियल डायरेक्शन का मतलब क्या, हम लास्ट पॉइंट पर पहुंच वो डायरेक्शन मालूम है, लेकिन हमने चलना शुरू कहाँ से किया है हमें मालूम
नहीं है। तो बच्चों इनिशियल डायरेक्शन के बारे में, इस चीज़ के बारे में हम कैसे जानेंगे, इसकी बेसिक चीज़ हम पता करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं इसको डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम इनिशियल डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्ट इसी ट्रिक पर होगा, लेकिन हम देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक आदमी 4 किलोमीटर चलता है, अब कहाँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता तो है नहीं मेरे पास। जिस तरह मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं कि कोई भी टर्म नहीं मालूम होता है तो मान लेते हैं, यूज़ करते कि माना कि, इस तरह ही यहाँ पर हम डायरेक्शन एज्यूम कर लेंगे। तो मान लीजिए कोई भी पर्सन चला, एज्यूम कर लीजिए नॉर्थ की ओर, एज्यूम कर लिए हमने नॉर्थ, तो नॉर्थ की ओर चला, जो भी डिस्टेंस होगा 4 किलोमीटर। अब हम नॉर्थ मान लिए तो हमें लेफ्ट और राइट तो पता है कि नॉर्थ का लेफ्ट इधर होगा और राइट हैंड इधर की ओर होगा हमेशा। चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है, चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है, अब वो 3 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है हमेशा 3 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। आप बताइए इसका पुनः बाएं नीचे की ओर आएगा बच्चों, और यह डिस्टेंस कितने मीटर का है, 3 किलोमीटर का है बच्चों। फिर कहता है पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं, और यह डिस्टेंस 2 किलोमीटर, सॉरी बच्चों 2 किलोमीटर का है, और अंततः वो दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। आप बताइए इसका दाएं हमेशा इधर की ओर होगा, साउथ वाले का राइट हैंड इधर की ओर होता है हमेशा, और वह चलता है 3 किलोमीटर, ये कितना चलता है हमेशा डिस्टेंस 3 किलोमीटर। अब कहता है कि वह, उसे महसूस होता है कि जिस दिशा में वह, उसे महसूस होता है कि हम उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं हमेशा उत्तर दिशा की ओर, जबकि यह दिशा हमारा जिसके अकॉर्डिंग हमने एज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग यह डायरेक्शन क्या बताता हमेशा वेस्ट, लेकिन क्वेश्चन कहता है उत्तर, तो हमारा आंसर तो आया नहीं। तो जब भी हमारा आंसर नहीं आया एग्जैक्ट आंसर, तो हम क्या करेंगे, जहां हम फाइनल रुकेंगे वहां पर हम मेन डायरेक्शन को फिगर बना लेंगे हमेशा। तो हमारा इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर हमारा वेस्ट होता है बच्चों। तो बच्चों वेस्ट होता है, तो इस चीज़ों को हम यहाँ पर देख रहे होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम वेस्ट है, तो ये बताइए वेस्ट से नॉर्थ की ओर, क्वेश्चन कहता है नॉर्थ देख रहा हमेशा, तो वेस्ट से नॉर्थ में कितने डिग्री का एंगल हमेशा 90 डिग्री, क्लॉकवाइज देख रहे हमेशा। तो जितना डिग्री हम यहाँ पर रोटेट करेंगे वही एंगल हम क्या करेंगे, जो हम चले थे जिस दिशा में वहाँ पर मूव करा देंगे। तो हमने चला था नॉर्थ में, और नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉक हमारा आंसर क्या होता है, ईस्ट हो जाता है, क्या हो जाता है हमेशा ईस्ट, यह हमारा होता है। ये तो बहुत ट्रेडिशनल तरीका है, इतना हम अगर कोई एग्जाम में हॉल में करेंगे तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। अब देखिए ईस्ट हुआ, अब इससे हम वेरीफाई करते थे क्वेश्चन को बच्चों, हम आपको वेरीफाई करते हैं। अब देखिए ईस्ट होता है, तो ईस्ट से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते। मान लो कोई बच्चों, मान लो चला होगा ईस्ट में, चलने के बाद वो क्या करता है, वहां से चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा, फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, पूरा बाएं मुड़ता है, अंततः वह दाएं मुड़ता है। अब बताइए इसका दाएं हमेशा ऊपर की ओर होगा, अब उसे महसूस होता है कि हम उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। तो बच्चों बताइए डायरेक्शन नॉर्थ है या नहीं, नॉर्थ ही है। तो हमने देखा क्या उसके द्वारा भी हमारा आंसर आ सकता है। अब एग्जाम हॉल में हम इतना करेंगे तो इम्पॉसिबल है, इस चीज़ को हम नहीं कर सकते बच्चों। कुछ नहीं, जो पहले बताए थे, हमारे पास स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दी है, क्वेश्चन मार्क, पहली बार हमने लेफ्ट लिया था उसको लेफ्ट लिख लेंगे, अगली बार हमने राइट लिया था उसको राइट लिख लेंगे, सॉरी पहली बार हमने लेफ्ट लिया था फिर लेफ्ट लिया था और फिर हमने राइट लिया था, यही था। तो लेफ्ट और राइट हमारा कैंसिल हो गया। अब बोलता है कि यह कहाँ जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है हमेशा उत्तर दिशा की ओर जा रहा है बच्चों। तो अब हमारे पास यह नहीं दिया, वह लास्ट दिया है, तो लास्ट दिया फर्स्ट निकालना है, इसका मतलब लास्ट दिया है फर्स्ट निकालना मतलब उल्टा चलना हमेशा। तो जो हमें कटने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसका जस्ट उल्टा करेंगे हमेशा। तो लेफ्ट बचा है तो राइट चलेंगे, राइट बचा था तो लेफ्ट, यहाँ पर हमारा लेफ्ट बचा था तो राइट चलेंगे, और नॉर्थ का सीधा राइट आप सब जानते हैं क्या होता है, ईस्ट होता है, क्या होता है, नॉर्थ का राइट इस साइड होता है ईस्ट। और देखिए हमारा इसके द्वारा भी आंसर बहुत तेज जल्दी आता है। तो एग्जाम में इसी चीज़ का यूज़ करना है बच्चों, आपको हमेशा इसका यूज़ करना है, इसी ट्रिक का यूज़ करना है, बेसिक यह था और एग्जाम में जल्दी सॉल्व करने का तरीका यह है। ये तरह बच्चों हम दूसरे स्लाइड पर बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर आपको करके दिखाते हैं डायरेक्ट ट्रिक के द्वारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड पर आगे दिखेगा। बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक आदमी 5 किलोमीटर चलता है, चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है,
पुनः दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, अंततः वो बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब उसे महसूस होता है कि हम पूरा दिशा की ओर देख रहे हैं, तो उन्होंने चलना की दिशा से प्रारंभ किया था। अब हमारे पास यह नहीं मालूम है तो फिर हम क्वेश्चन मार्क इस डायरेक्शन क्वेश्चन मार्क दे देंगे, बच्चों यह हमें मालूम नहीं है, लेकिन चलने के बाद वो क्या मुड़ता है, चलने के बाद वो दाएं मुड़ता है, तो राइट लिख लेंगे, पुनः दाएं मुड़ता है, अंततः वो बाएं मुड़ जाता है, लेफ्ट लिख लेंगे, बाएं को लेफ्ट राइट लिख रहे हैं हमेशा। अब उसे महसूस होता है कि हम पूरा दिशा की ओर जा रहे हैं, तो इसके पास यहां वाली डायरेक्शन आपको पता हो चुका है, ईस्ट हो चुका है। अब आपको यह निकालना है, उल्टा निकालना है, तो लेफ्ट और राइट कैंसिल कर दीजिए। अब आपको इसका जस्ट उल्टा कर देना है, क्योंकि उल्टा चलना है, तो लेफ्ट बचा है तो राइट, राइट बचा है तो लेफ्ट, तो यहां पर राइट बचा है तो हम क्या मूव करेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे। और ईस्ट का लेफ्ट आप मालूम है कि ईस्ट इसको बोलते हैं, और इसका लेफ्ट हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों, नॉर्थ की ओर होगा, क्या होगा, हमेशा नॉर्थ होगा, और हमारा आंसर क्या हो जाता है बच्चों, नॉर्थ होता है। तो दूसरे क्वेश्चन का भी हमारा आंसर दूसरे आ गया, जो हमारे ऑप्शन नंबर पहले में दिखाई देता होगा बच्चों। तो इस तरह बच्चों हमें अगले स्लाइड पर भी क्वेश्चन हम इस तरह जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते चलेंगे बच्चों, इस तरह हम स्लाइड पर आगे बढ़ेंगे हमेशा। तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक आदमी 10 किलोमीटर चलता है, चलने के बाद वो 5 बार बाएं मुड़ता है और 3 बार दाएं मुड़ता है। अब उसे महसूस होता है कि वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, तो उन्होंने चलना की दिशा से प्रारंभ किया था। फिर वही सेम क्वेश्चन बच्चों, तो फिर हम क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट टिक के द्वारा करते हैं, कितनी बार उन्होंने लेफ्ट मुड़ा था, 5 टाइम्स, तो 5A लिख लेंगे बच्चों, और उन्होंने कितनी बार राइट मुड़ा, 3 टाइम्स, 3R लिख लेंगे बच्चों। अब वो बच्चों देख कहाँ रहे, नॉर्थ ईस्ट की ओर, कहाँ देख रहे बच्चों, नॉर्थ ईस्ट की ओर देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं हमेशा, ना उत्तर पूर्व दिशा की ओर। अब यह हमें दिया हुआ यह निकालना है, तो पहले जिस तरह से डिफरेंस निकाले वही डिफरेंस यहाँ निकालेंगे, 5 - 3 = 2, और दोनों में हाइएस्ट वैल्यू किसकी है, लेफ्ट की, तो 2L होगा, अब 2L तो इसके डिफरेंस आया। अब हमें उल्टा चलना है, तो बस जस्ट बच्चों इसका उल्टा कर देंगे, 2 left = 2 right, और 2 left = 2 right, और 2 right = 180 degree होता है बच्चों, क्या होता है, 180 degree, और 180 degree हमेशा अपोजिट डायरेक्शन बताता है, और अपोजिट डायरेक्शन लेने के लिए ज़्यादा हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ का उल्टा आप सबको पता है साउथ होता है, ईस्ट का आपको सबको पता है वेस्ट होता है, और आपका आंसर साउथ वेस्ट होता है। आपका फाइनली आंसर क्या हुआ, साउथ वेस्ट, जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई देता है, दक्षिण पश्चिम दिशा दिखाई देता है बच्चों। इसलिए कि बच्चों हम कितने जल्द हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में, यह हमारे लिए कितना यूजफुल है, यह बेसिक कंसेप्ट है जो हमने बेसिक से स्टार्ट आपके साथ किया है। तो बच्चों इस तरह हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं, जो हमारा अगला टाइप्स होगा एंगल वेस्ट डायरेक्शन, क्या होगा बच्चों, हमेशा एंगल वेस्ट डायरेक्शन पूर्व आधारित दिशा होगी। अब हम बच्चों हमारे पास एंगल सब बच्चे का क्लियर होता नहीं है, इसके लिए हम इस पर भी ट्रिक यूज करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज बताते हैं। देखिए एंगल वेस्ट डायरेक्शन में हमारा क्या दिया हुआ है कि एक आदमी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर मतलब नॉर्थ मतलब जस्ट ऊपर बच्चों, और वहां से वह घड़ी की दिशा में चलना शुरू करता है। तो बच्चों हमने पहले ही मेंशन किया कि घड़ी की दिशा, इस दिशा को हम लोग क्लॉक वाइज डायरेक्शन बोलते हैं हमेशा। तो चलना शुरू किया, कितना चलना शुरू किया, 90 डिग्री, तो बताओ बच्चों 90 डिग्री हम यहाँ पर आएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट की ओर। फिर वह उसी दिशा में 45 डिग्री मूव करता है बच्चों, 45 मतलब होता है बच्चों यह दिशा, मतलब हम लोग साउथ ईस्ट में आ गए बच्चों। फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत, आप बताइए घड़ी का विपरीत मतलब उल्टी दिशा चलना हमेशा चलता है, और चल के वह 45 डिग्री घूमता है, 45 मतलब यहाँ पर आता है हमेशा, तो बोलता है अब वह किस दिशा की ओर फेस कर रहा है, तो यह हमारा ईस्ट की ओर फेस कर रहा है। तो एग्जाम हॉल में तो माली हमारे पास एग्जैक्ट एंगल है 90, 45, 180, तो ट्रेवल कर लेंगे, बना सकते हैं इस चीज़ को। अगर छोटा एंगल हो 15 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, 24 डिग्री, 17 डिग्री, तो बनाना कठिन होता है बच्चों। तो इतना करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं बच्चों, इसके भी ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, बहुत आसान बच्चों। उसका फेस किधर था, नॉर्थ, उन्होंने चलना शुरू किधर किया पहले, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो पहले क्लॉक नोट करेंगे, पहले 90 डिग्री, फिर कितना डिग्री चला, 45 डिग्री चला, इसका मतलब 135 डिग्री टोटल इन्होंने क्लॉक में रोटेट किया।
फिर उसका जस्ट उल्टा हो जाता है एंटी क्लॉक, इन द सेंस 45 डिग्री। तो बच्चों 45 डिग्री हो गया। अब इसको माइनस कर ले या यहीं से माइनस कर लेते हैं, दोनों बात एक ही होता। अब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कहाँ चलेंगे, क्लॉक में। दोनों में हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, क्लॉक की, तो 90 डिग्री क्लॉक चलेंगे। और नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉक हमेशा क्या होगा, ईस्ट होगा। बच्चों हमने जो फिगर से बनाया था वही चीज़ हमें शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा भी हमें जल्दी से आसानी से मिल गई क्वेश्चन बच्चों हमेशा। तो आप इस तरह देखते हो कि आपका आंसर ईस्ट होता है, जो आपके स्लाइड पर दूसरे ऑप्शन में, आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई देता है। बच्चों इस तरह हम सवाल को आसानी से, एंगल वर्स डायरेक्शन को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ धीरे धीरे आपके दिमाग में जा रही है, इसे बार बार आप देखिएगा तो चीज़ों जल्दी समझ में आती रहेगी। बच्चों इस तरह दूसरे सवाल को हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। नेक्स्ट सेकेंड सवाल, जो नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग बच्चों बढ़ते हैं धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है बच्चों सेकेंड, बच्चों पिछले स्लाइड पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, टेक्निकल टीम थोड़ा पीछे कीजिए, सेकेंड आ गया, आ गया थोड़ा सा। हाँ बच्चों जो दूसरा सवाल है, एक पर्स अगला सवाल जो दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, उसका फेस किधर है, पूरब। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम उसको लिख लेंगे ईस्ट। वह घड़ी के विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है, विपरीत मतलब होता हमारा एंटी क्लॉक, और कितना चला, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, ये रोटेशन था हमारा। उसके बाद सभी को हम जोड़ देते हैं, तो 90 90 कितना, 180, 225 हो गया टोटल एंगल हमारा, 225 हो गया बच्चों। फिर वह उस दिशा के विपरीत हो जाता है, मतलब वो एंटी क्लॉक चल रहा था, अब वो चलेगा क्लॉक। तो क्लॉक में कितना चला, पहला हमारे पास है 45, फिर है 60 डिग्री, फिर बच्चों है 30 डिग्री, तो 90 135, कितना हो गया बच्चों, 135। अब हमें चाहे तो ऐसे भी इसको कैंसिल कर लेते हैं, इसको ऐसे भी कैंसिल, बस यही बच जाता वैल्यू हमारी पास, या ऐसे भी माइनस करें तो वही चीज़ हमारे पास आ गया बच्चों, 90 डिग्री आया हमेशा। अब हम 90 डिग्री चले कहाँ पर, तो दोनों में हाईएस्ट वैल्यू किसके पास है, एंटी क्लॉक के पास है, किसके पास है, एंटी क्लॉक के पास। तो ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉक, ईस्ट मतलब इधर, और 90 डिग्री एंटी क्लॉक मतलब हमेशा होता है नॉर्थ। क्या बच्चों होता है हमेशा, नॉर्थ। और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, नॉर्थ, जो आपके स्लाइड के क्वेश्चन के ऑप्शन में पहले नंबर पर दिखाई देता है, ऑप्शन आपका पहला नंबर होता है बच्चों। फिर हम अगले क्वेश्चन पर भी इस तरह सवाल जल्दी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ये सवाल कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं एंगल पर। अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक आदमी उत्तर पूर्व दिशा की ओर, उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बच्चों बोलते हैं, कि देख रहा था, वह घड़ी की दिशा में चलना शुरू किया, तो हम डायरेक्ट क्लॉक लिख लेंगे, और कितना चला, 45 डिग्री, 67 डिग्री, 23 डिग्री और 90 डिग्री, टोटल रोटेशन कितना हो गया, 90 90 225, 225 डिग्री हो गया, 90 90 180 और 45 225 डिग्री हो गया। अब उसका जस्ट उल्टा डायरेक्शन पकड़ेगा वो, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉक, उसके विपरीत हो जाता है हमेशा, और वो मूव कितना करता है, पहले 90 डिग्री, फिर बच्चों 65 डिग्री, फिर बच्चों 25 डिग्री मूव करता है। अब बोलता है वो किस दिशा की ओर देख रहा है ये करने के बाद, तो बच्चों हम डायरेक्ट इससे भी देखिए जोड़ के 90 90 180, तो हम अगर यहाँ पर जोड़ ले 180 हो गया, तो हम माइनस करेंगे 45 डिग्री हो गया हमारे पास। अब इसको भी डायरेक्ट हम यहाँ से इसको हटा लेंगे, अब यहाँ से ये दोनों जोड़े तो 90 डिग्री आएगा, यही चीज़ हमारे पास फिर आ गया। अब नॉर्थ ईस्ट का 45 हम किधर चले, क्या चले, कहाँ चले, तो नॉर्थ ईस्ट का बच्चा 45 डिग्री हमेशा ईस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट बच्चों देखिए, सबसे पहली बात, नॉर्थ ईस्ट हम लोग इसको बोलते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि यह पॉइंट ईस्ट होता है, यह हमारा नॉर्थ होता है, तो यह हमारा पॉइंट नॉर्थ ईस्ट है। अब इसका क्लॉक 45, क्योंकि इसके बीच का जो एंगल होता है वो 45 होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, ईस्ट होगा, जो आपके क्वेश्चन में शायद पहले नंबर पर है बच्चों। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आता होगा। बच्चों जो 6 टाइप्स क्वेश्चन डायरेक्शन में हमने आपको पहले बताया था, उसमें 3 टाइप्स का हमने डिस्कशन कर लिया। पहला टाइप्स हमने आपको बता दिया, सेकेंड टाइप्स हमने बता दिया, थर्ड टाइप्स बता दिया। जो 3 टाइप्स बचे हैं
वो हम अगले क्लास में आपके साथ लेकर आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, बार बार समझते रहिए, क्योंकि यही चीज़ आगे जाकर आपको यूजफुल होगा। और तब तक आप इसको, कोई भी अगर इसमें समझने में त्रुटि आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल जोड़िए और उस पर शेयर कीजिए, बच्चे को बताइए, और इसके लिए धन्यवाद आपको।